जो इंटरनेशनल कंट्रीज हैं वो हमें किस नजर से, खास तौर पे नेबर कंट्री हमें नॉन सीरियसली लेना पड़ेगा यार, इनका तो आपस में चलता रहेगा। हम अपने रिलेशन अफगानिस्तान इंडिया से अपने रिलेशन बेहतर कर रहा है, वो तारीफ कर रहा है बकायदा ईरान और इंडिया का जो चाबहार का एग्रीमेंट हुआ है। कुछ ही दिन पहले हमने चाबहार में एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट किया है ईरान के साथ, तालिबान लोगों ने बहुत तारीफ की है हमारे इस निर्णय की। उसकी वो तारीफ, अफगानिस्तान का सिक्का किधर चला गया आप देख लेना, पाकिस्तान का आज किधर है, करंसी किधर चले गई है, वो हमारी करंसी किधर आ गई है। नेबर कंट्रीज को कैसे इत्माद में ले सकते हैं, चाहे वो अफगानिस्तान हो चाहे वो ईरान हो। देखें चाबहार पोर्ट इस टाइम मैं ये समझता हूँ जो इस टाइम वो वर्किंग में अगर आ जाता है तो सी पैक से आगे नहीं गेम हो जाएगी उसकी, ग्वादर से आगे। एक सिंपल सी एक चीज बताऊं मैं आपको, दुबई किस लिए इतना बड़ा बन गया है, दुबई के वो हर बंदा क्यों अप्रोच कर रहा है, क्यों हम लोग 2003 में अगर मैं गया था ना, मेरा पासपोर्ट था हाँ। तो मैं बताता था मैं पाकिस्तान से हूँ और लोग भाग भाग के आते हैं, यो फ्रॉम पाकिस्तान। अच्छा यो फ्रॉम पाकिस्तान करते हैं हाँ जी। और आज तो अब किसको पासपोर्ट था ना पाकिस्तान से, तो वो पुअर कंट्री, आप लोगों के ऊपर लाइबिलिटी इतनी बढ़ चुकी है कि आप बड़े पोर लोग हैं। दुनिया का वर्स्ट तीन चौथे नंबर पे पासपोर्ट आ गया हमारा। क्या बात करता है, पाकिस्तान में आप किसी से भी पूछ लें कि भाई पाकिस्तान में ये बुरी हालत है इसका जिम्मेदार कौन है, वो डेफिनेटली कहेगा अमेरिका जिम्मेदार है जी, इंडिया जिम्मेदार है, इंडिया नहीं चाहता हम आगे जाएं। क्या वाकई आपको लगता है इंडिया नहीं चाहता कि हम डेवलपमेंट की तरफ जाएं? देखिए जी, सबसे पहली बात है कि इंडिया इस वक्त जिस तरक्की के जिस राह पे पड़ा हुआ है ना, वो हम जो मर्जी करते रहे ना, वो अपने आप को बिल्कुल स्टेट चला रहे हैं, अपने ट्रैक पे चढ़ गए हैं, ट्रैक पे बिल्कुल एग्जैक्टली अपने ट्रैक पे हैं। वहाँ से आप लिटरेसी रेट देख लें, वहाँ पे आपके प्रोग्रामर जो निकल रहे हैं, जो आगे डेवलपर निकल रहे हैं, बड़े अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। हम लोग जो है ना, वो दूसरों पे इल्ज़ाम लगाने में लगे हुए हैं, हमें चाहिए कि हम अपनी अपना लाइन ऑफ एक्शन सीधा करें, उसी पे चलें। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, और इल्जाम लगाने की बजाय सीखें कि भाई देखें वो कैसे आगे चले गए। सर हमारा जीरो पे आने वाला है, हमें तो किसी ने वीजा नहीं देना, अभी आप वीजा दुबई का ले आके दिखा, दुबई का वीजा नहीं मिल रहा क्योंकि करप्शन चल गई दुबई में जाके, हमारी आवाम का काम है ना। ठीक है, अब आवाम क्या करती है वहां पे जाती है, सिंपल बात है भाई, मैं सीधी खड़ी बातें करूंगा, आवाम जाती है वहां पे जाकर कर्जा मंजूर करवाती है, वहां पे पार्टियां बैठी हुई हैं, लाख रुपया कर्जा मंजूर करवाया, उस पार्टी ने 20% देना है तुझे, 20,000 रुपया मिलेगा, 80,000 रुपया हमारा, तू भाग जा पाकिस्तान चले। क्या बात कर रहे बाबा, ठीक हो गया भाई, नाम किसका खराब हो रहा है, पाकिस्तान का पासपोर्ट का। और हम कहते हैं पाकिस्तान की बुनियाद का ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल, हमें तो खुदा की कसम साफ पानी तक हमने आज तक अपना नहीं बनाया, हम और क्या कर सकते हैं। वैसे इधर किसी से भी पूछ ले पाकिस्तान से कितना प्यार करते हैं, वो कहेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद, यानी नारा लगा दिया प्यार, हमने अपने प्यार की जिम्मेदारी दे दी। पाकिस्तान से कितना प्यार करते हैं, पाकिस्तान से बहुत प्यार करते हैं। आज तक आपने पाकिस्तान के लिए क्या किया, पाकिस्तान के लिए क्या कर सकते हैं आप, किस तरीके से अफगानिस्तान हो, ईरान हो, इंडिया हो या चाइना हो, सबके साथ हम अपने रिलेशन खास तौर पे ट्रेड बेहतर कर सकते हैं, पॉसिबल है कि? सर सिंपल बात है, ट्रेड की अगर बात करें, ठीक है, आजकल पाकिस्तान के अंदर जो ट्रेड का सिचुएशन चल रही है ना, ट्रेड का सिस्टम ये होता है कि पहले आपने पेमेंट भेजनी है फिर आपको डॉलर मिलने हैं, ऐसे ही है, ठीक है। अब पाकिस्तान के अंदर ट्रेडिंग हो रही है, लोग पैसे भेजते हैं जी हमें ट्रेड के, हमें $1,000 चाहिए, $1,000 की पहले पेमेंट आप हमें भेजे, हम $1,000 भेज देंगे, तो वो $1,000 मंगवाते हैं, नंबर बंद कर देते हैं। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा, ये तो बिलीव पे है ना यार, ऐसे तो फिर कोई भी कंट्री हमारे साथ रिलेशन नहीं रखना चाहिए। सर सिंपल बात है, आप लोग जस्ट, हम लोग जस्ट लॉयल हो जाएं अपने कंट्री के साथ, अल्लाह की जात हमें देगी, वक्त से पहले और नसीब से ज्यादा कभी नहीं मिला, ठीक हो गया। अल्लाह ने हमें अगर 1 करोड़ रुपए एक महीने के अंदर हमारी कैपेबिलिटी है, अल्लाह ने हमें अता करना है ना, तो अल्लाह ने दो रास्ते दिखाए हैं, ये सही है ये गलत है, ये हराम करके कमा ले या हलाल करके कमा ले। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा, मिलना जरूर है। क्या लगता है कि इंडिया जिस तरीके से डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, मैं उसे जरूरत है कि पाकिस्तान को नीचा करे, मुकाबला तो बराबरी का होता है, इस टाइम क्या बराबरी है? अब नहीं जरूरत उसे, वो जिस जगह पे पहुंच गया हुआ ना, उसे इन चीजों की जरूरत नहीं है। हमारी ये सोच कैसे बदलेगी, बात तो ये है हमारी सोच कैसे बदलेगी, हम आज भी पता नहीं 1947 वाले माहौल में जी रहे हैं कि भाई पता नहीं हिंदू मुस्लिम इंडिया पाकिस्तान ये वो इस तरह का एक कंसेप्ट बना के बैठे हैं। सर अब दुनिया इन सब चीज़ों से आगे निकल गई, हमें भी अपनी सोच को चेंज करना पड़ेगा, अपने आप को एजुकेट करें, अपने आप को ट्रेन करें, किसी भी एक फर्म के अंदर, किसी भी एक डिपार्टमेंट के अंदर अपने आप को मनवाएं, और फिर जब हम दुनिया में नाम बनाएं, जब हम इस तरह तरक्की करेंगे, अपने आप को एजुकेट करेंगे, एक हुनर सीखेंगे, एक स्किल सीखेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे, फिर हमें भी इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हम दूसरे लोगों के ऊपर ब्लेम करना शुरू करें, बल्कि अपने आप को प्रोग्रेसिव करेंगे। टैलेंट का असल मतलब क्या है, जो हम कहते हैं पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है। सर दो तरह की इज्जत होती है, ठीक है, एक इज्जत होती है आपको बनी बनाई मिल गई, ठीक है, एक इज्जत होती है आपने खुद बनानी है। अब आप बताएं इन दोनों में डिफरेंस, अपने अखलाक से बेहतर क्या चीज़ है कि अपनी खुद बनाए, ठीक है, ठीक है, आप लोग अपनी भाई इज्जतें अपना आपके हाथ में है,
और अल्लाह जिसे चाहता है उसे देता है, और जो बंदा उस काबिल है, सल इंसान है, मासे इंसान, तो जैसा गुमान करेगा तुझे वैसा अदा करेगा। अगर तू सही सोचेगा, सही लोगों के साथ चलेगा, पाकिस्तान के अंदर करप्शन इस टाइम अरूज पे जो हिस्सा है। शुरू से हम सुनते हैं, आप भी सुनते हैं कि भाई जब वो कम्प्लीट होगा, पूरी दुनिया में जो है ना पाकिस्तान का नाम होगा, पूरी दुनिया की मजबूरी बन जाएगा ग्वादर पोर्ट, पाकिस्तान में बड़ी जॉब्स आएंगी, रोजगार आएगा, लेकिन वो कम्प्लीट नहीं हो रहा। ईरान और इंडिया ने मिलकर चाबहार पोर्ट बनाया, कंप्लीट हुआ, मैनेजमेंट उसकी इंडिया के पास चली गई, अफगानिस्तान तारीफ करता नजर आ रहा है इस पोर्ट की, चाबहार पोर्ट की और इंडिया की मैनेजमेंट की। भाईजान सबसे पहले तो हम अपने मुल्क के निजाम को देखें तो माशाल्लाह से सबसे घटिया निजाम आ रहे हैं। बात तो सही है। मतलब कि देखने को मिलता है कि जी हमारा मुल्क फलां चार चांद लगाने लगा, लेकिन वो लगते ही नहीं है। हमें तो यही समझ आ रहा है कि गैस कब पूरा होगा, बिजली कब पूरी होगी, और ग्वादर तो बहुत आगे की बात है। ठीक है ठीक है। हमें अचानक एक मिसाल है कि मछेरे को मछली पकड़ने का तरीका सिखाओ, ना कि उसको डेली बैठ के खिलाओ। हाँ। जैसे कि अब चाइना ने एक अपना लियो भेजा है, उसमें पाकिस्तान का मिशन मून भेजा है। हाँ जी, तो वो चीजें सारी हमें नजर आती है, लेकिन लोगों के नजरिए में कुछ और है। हम इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते। के बाहर के मुल्कों में भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये जो है ना टॉपिक पढ़ाया जाता है। इंडिया में एक लालू प्रसाद के नाम से एक वजीर आया था रेलवे का, उसने पहले सबसे पहले अपनी इकोनॉमी को सभी को देखा, स्टडी किया, उसके बाद सबसे पहले उसने जो तब्दीली की ना, वो ये की कि भाई जितने लोग भी इंडिया में अपॉइंटमेंट लेटर लेके बैठेंगे ना गाड़ी में, उसे ना टिकट पूछी जाएगी ना किराया पूछा जाएगा। अच्छा। ठीक है। अब यहाँ से उसने स्टार्ट किया, अपनी रेलवे को डेवलप करना शुरू किया। अब ये चीज़ इतनी डेवलप हुई कि आज इंडिया के अंदर जो वजीरे रेलवे है लालू प्रसाद, इसका इस टॉपिक को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पढ़ाया जाता है बाकायदा। किस टाइम तो वो वजीर नहीं है, लेकिन वैसे जब मिनिस्टर जिस टाइम मैं बात कर रहा हूँ, इसी तरह हमें भी एक एक चीज़ के ऊपर स्टडी करके अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा, तब हम इन चीज़ों पे पहुँचेंगे। उन लोगों को इसलिए ज़रूरत नहीं है, वो अपने एक टॉपिक को लेके स्टडी करते हैं और उसके ऊपर डेवलपमेंट करते हैं, हमें भी एग्जैक्टली इसी तरह ही करना चाहिए। अच्छा, और दूसरे नंबर पे आपने बोला कि उनके जो मिनिस्टर हैं उनको इंटरनेशनल लेवल पे स्टडी करवाया जाता है कि भाई देखें ऐसे डेवलपमेंट हमारे, मैं भी बताता चलूं कि हमारे भी जो मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर इवन अब अगर बात करें, उन्हें भी इंटरनेशनल लेवल पर डिस्कस किया जाता है, लेकिन वो ये बताया जाता है कि अगर कोई करप्शन करेगा तो उसका हालत ये होगी, अगर कोई करप्शन करेगा तो उस कंट्री की हालत ये होगी, ये और ये वाकई में डिस्कस किया जाता है अमेरिका की पार्लियामेंट में, ये डिस्कस हुई हैं चीज़ें प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को लेकर। क्या बात है। अगर आज हम मुकाबला करते हैं इंडिया के साथ एजुकेशन के हवाले से, टेक्नोलॉजी के हवाले से, तो क्या आपको लगता है उन्हें कोई इशू होगा? वो तो कहेंगे आओ ठीक है हम भी मुकाबला। जी बिल्कुल बिल्कुल, हर बंदे को अपना पूरा राइट है, पूरा हक है। हम जब अपने आप को डेवलप करेंगे तो डेफिनेटली दूसरे लोग भी इस तरक्की से फ़ायदा उठाएंगे। मैंने बड़ी जगहों पे देखा, आप देखें ना, मैं दुबई में गया हूँ, सऊदी अरब में गया हूँ, वहाँ पे आपको चावल चीनी तक जो है ना वो इंडियन पैकिंग में मिलते हैं। अच्छा। उन्होंने तरक्की की हुई है ना, अब हमें भी तरक्की की ज़रूरत है, अपने आप को स्टडी करेंगे। पाकिस्तानी कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि जी नमक हमारा पूरी दुनिया में जाता है, चावल हमारे। सर ये बातें पुरानी हो गई हैं। दूसरे नंबर पे है कि इंडिया वाले हमारा जो नमक है, हमारे चावल है, वो नाम अपना लगा के। एग्जैक्टली, अब ये देखिए, अब हमने इस चीज को अपने अंदर डेवलप करना है कि ये पैकिंग हमारे नाम से क्यों नहीं है, अगर फसल हमारी है तो हमारे नाम पे होनी चाहिए। सवाल ये, पहले नंबर पे तो उनके अपने चावल भी होते हैं, लेकिन ये सवाल ये है कि लेट्स सपोज पाकिस्तानी चावल है, पाकिस्तानी नमक है, क्या जरूरत पड़ती है कंपनीज को कि इंडिया का नाम लगाया जाता है? क्या इंडिया पे इत्माद किया जाता है इसलिए पाकिस्तान का नाम नहीं लगा? ये भी एक सवाल पैदा होता है। जी बिल्कुल, जब हम अपने आप को बाहर के मुल्कों में अपने आप को डेवलप करेंगे, अच्छे तरीके से डेवलप करेंगे और उन लोगों को तरक्की की राह पे खुद लेकर चलेंगे, तो डेफिनेटली हमारी पैकिंग भी होगी। अच्छा।